बदल। क्या पुष्पराज ने किया KGF का फॉर्मेट रिपीट? आखिर किस खास डरावने रोल में नजर आएंगे फिल्म के विलेन? हेलो दोस्तों, मैं हूं अनविता, आपकी दोस्त और होस्ट। स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की इस फ्रेश न्यू वीडियो में। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं सीधा साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सेंसेशन बन चुके मोस्ट स्टाइलिश एंड डैशिंग एक्टर अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पराज की खबरों पर, जो कि ओरिजिनली तो कन्नड़ और तेलुगु जैसी साउथ लैंग्वेजेस में बन रही हैं, मगर एक पैन इंडिया फिल्म होने की वजह से इसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। और अपने ऑसम रग्ड लुक से अल्लू अर्जुन हिंदी सिनेमा का दिल काफी ज्यादा जीत चुके हैं। हिंदी ऑडियंस के बीच में भी पुष्पराज का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। ऐसे में फिल्म की कहानी को लेकर रोज ही मार्केट में एक नई अफवाह उठती हुई नजर आती है। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पराज इस साल 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है, लेकिन COVID-19 की वजह से पूरे देश में लगे लॉकडाउन के कारण फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई है, जिस वजह से फिल्म की रिलीज डेट एक्सटेंड करने के बारे में सोचा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म के बेसिक प्लॉट और पोस्टर रिलीज से इस फिल्म को KGF चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट का रीमेक कहा जा रहा है। अल्लू अर्जुन की मूवी में KGF का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होता दिखी जा रहा है। पोस्टर्स में जिस तरह से अल्लू अर्जुन बाइक पे नजर आ रहे हैं, उसी तरह से कुछ सिमिलर अंदाज में KGF में रॉकी भाई नजर आए थे। और इसकी पैन इंडिया में 5 भाषाओं में और साथ ही साथ 2 पार्ट्स में रिलीज होने की बात भी रॉकी भाई की फिल्म KGF की कॉपी लगती है। इसी वजह से इन दोनों फिल्मों के सिमिलर होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इस बात में कितना दम है कितना नहीं, ये तो फिल्म के मेकर्स ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनका इस बारे में कुछ भी कहना नहीं है। हम सबको पता है कि फिल्म में मेल लीड एक्टर के तौर पर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना काफी इंटरेस्टिंग लुक्स में नजर आने वाले हैं, मगर इनके अलावा पुष्पराज फिल्म में नेगेटिव रोल कर रहे फहाद फाजिल भी अब इन सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं। काफी समय से पुष्पराज में किस विलन को लिया जाएगा, इस बात को लेकर काफी ज्यादा सनसनी फैली हुई थी। और जब से मॉलीवुड के पावर हाउस फहाद फाजिल का नाम सामने आया है, तो ऑडियंस के बीच में एक अलग ही फिल्म को लेकर क्रेज नजर आ रहा है। फहाद अपनी बकमाल एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वजह से मॉलीवुड में काफी ज्यादा फेमस हैं और उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों फाजिल को नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पुष्पराज के प्रोड्यूसर्स ने छप्पा कुरुशु एक्टर्स को इस फिल्म में साइन करके ऑडियंसेस को एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देने का वादा किया है। पुष्पराज में फहाद का विलेन अवतार काफी ज्यादा इंटेंस और कुछ ज्यादा ही नेगेटिव नजर आएगा, जो कि ऑडियंसेस के रोंगटे खड़े करने वाला है। फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि वो काफी ज्यादा इस बात से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार ऑडियंस को विलन का रोल काफी ज्यादा इंगेज रखेगा और उनकी परफॉर्मेंसेस इस बार बहुत ही यूनिक होगी। अब जहां फिल्म की स्क्रिप्टिंग और पॉजिटिव कैरेक्टर्स को लेकर वैसे ही दर्शकों के बीच में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बन गई है, ऐसे में फहाद फासिल जैसे कमाल एक्टर का विलन रोल में आना, उनका इस फिल्म के यूनिक नेगेटिव किरदार प्ले करना बहुत ज्यादा बस क्रिएट कर रहा है और ऑडियंस इसका फिल्म को लेकर सबर टूटता जा रहा है। देखते हैं कि रिलीज से पहले ही ऑलरेडी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो चुकी फिल्म पुष्पराज हमें कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सजेशंस हमें जरूर दें। साथ ही साथ देखते रहिए आपका अपना चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। आज की स्क्रिप्ट लिखी है कोमल तिवारी ने। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ। सायोनारा।